नवरात्रि के अवसर पर पंडालों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राजघाट में 3 अलग अलग पोखरे बनाए गए हैं, जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। विसर्जन को लेकर राजघाट पर चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए शनिवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, DIG रेंज राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी केवजेन पांडियन, SSP जोगिंदर कुमार, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे और विसर्जन स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विसर्जन के एक दिन पहले से ही यहाँ की पूरी व्यवस्था कर दी जाए। उन्होंने कहा कि यहां आने वाले वाहन आराम से आ जा सके, इसके लिए आने जाने वाले रास्तों को दुरुस्त रखा जाए, इसकी चौड़ाई पर्याप्त होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान SPCT डॉक्टर कौस्तुभ, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, SP नॉर्थ अरविंद पांडे, विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता देवेंद्र सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश रस्तोगी सहित सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DIG रेंज राजेश जी मोदक और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, इसमें ये भी है रविवार को, रविवार को कुछ लोगों का होता है, कुछ लोग रविवार को नहीं करते। इसे थोड़ा सा पता कर लीजिए ना, यदि किसी को लगा के फोन करके एक आइडिया हो जाएगा कि कल कितनी गति तक आएंगे, परसों कितनी है। तो पहले 2-3 घंटे उसी में अलाउ करिए, कल वैसे कम ही आएंगे। मिला हो गया लोग भी ज़्यादा चल जाते हैं। आपके जो लोग साथ में आते हैं उस पर भी एक बार इजियर है, बट लोग भले से परमिशन 50-50 का मांगे हैं विसर्जन के समय, वो तो घर से भी जाते हैं। सदस्य पूरा बहन लगाएंगे, पोखरा वन पोखरा टू पोखरा जाते हैं, आने का रास्ता जाने वो मास्क पहन लो, जोर से आवाज पूरा झूमते रहे पूरे यहां से, बेसिकली जहां ट्रैक्टर खड़ा है उससे उतरेंगे। जी सर आप मैनिपुलेटिंग कराएंगे सर यहां पर कुछ टेंपरेरी शौचालय भी बनाते हैं इस तरह का Yeah.
लेकिन जलवाते ये लोग ट्रेन पलट गई तो जनता ने आक्रोशित होकर इंटेंस में आग लगा दिया था। वो वाला एक सबसे बड़ा वहाँ पे सर करते समय अगर बारिश हो जाती है तो गाड़ियाँ ये ट्रेन का क्या प्रॉब्लम सर? यहाँ सर सीओ बैठे तो उसका कुछ वो चीज है आप देख लीजिएगा आपकी तरफ पूरी व्यवस्था नहीं है। अभी आपने देखा कि सभी एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस के लोग आए हुए थे, तो कल से विसर्जन का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? आर्टिफिशियल लेक्स बनाए हुए हैं विसर्जन के लिए, और पूरी व्यवस्था की है कि लोगों को किसी तरह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए विसर्जन में। लाइटिंग लगाई हुई है, पुलिस की व्यवस्था है, सारा बंदोबस्त है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक रहेगा। एक दो कमियां हमको लगी तो हमने उसकी भी डायरेक्शंस दे दिए हैं, तो सब ठीक रहेगा। सब मिल सड़क का मामला है और मिट्टी पड़ी है, दलदल भी है, और पिछली बार एक दो बार हादसा भी हो चुका है, क्रेन पलट चुका है। यहाँ पे चेकर प्लेट्स डालने के लिए बोला गया है, चेकर प्लेट्स डालेंगे, उसकी भी व्यवस्था करेंगे। आपको मालूम है पारंपरिक रूप से गोरखपुर जनपद में दशहरा विजयदशमी बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार जो हम लोग का एक चिंता है वो कोविड का है, और आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, कल तक सब ठीक हो जाएगा, आज रात तक हम ठीक कर लेंगे। जो जितने लोग आएँ वो मास्क ज़रूर प्रयोग करें, और अपने आपस में जितना दूरी रख सकते हैं करें, कम संख्या में लोग आएँ। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हमारा जीवन सुरक्षित है, तो ये पर्व हम हर साल मनाते हैं और हम इस बार भी अच्छे से मना लेंगे। और सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और सुरक्षा जो भी दृष्टिकोण से जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सारे कर लिए गए हैं, और आशा करते हैं सभी संस्थाएँ अपना कार्य आज शाम तक पूर्ण कर लें। मूर्ति विसर्जन होगी? हाँ, एक्चुअली ये सारी पारंपरिक चीज़ें हैं जिसमें कि प्रशासन और शासन, हम लोग का तो रोल ये है कि हम लोग सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और सुरक्षा का दायित्व देखें, और जो भी श्रद्धालु हैं वो आए उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हम कल के लिए भी तैयार हैं, परसों के लिए भी तैयार हैं। बताया गया है कि कल कम होंगी, ज़्यादातर 70-75% विसर्जन परसों होगा। मेरा उसमें यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिन में यदि परसों आ जाएंगे तो उसमें सुविधा उनको भी होगी, हालाँकि पूरी व्यवस्था रात के लिए भी की गई।